हम दो फंक्शन की बात कर चुके हैं, सबसे पहला फंक्शन अलग अलग करना, दूसरा फंक्शन दो पेपर्स को एक पर निकालना, वन और थ्री, और तीसरा फंक्शन होगा कि वन और टू को इसी पेपर को दोनों तरफ से स्कैन करके एक ही पेपर पर निकालना। आज जो इस वीडियो में बात होने वाली है वो है ADF, ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर। तो ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर की ही यहाँ पर बात होगी, यहाँ पर इसके अलावा कोई भी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन मकसद है। तो सबसे पहले मैं आपको ADF दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ब्रोदर का 820DW प्रिंटर हमारे पास है और इसमें ADF का फीचर दिया गया है। ADF में हम लोग इसमें 20 डॉक्यूमेंट को फीड कर सकते हैं, यानी कि 20 डॉक्यूमेंट का इसमें ADF है हमारे पास। तो ADF का देखिए इसमें दिखाया भी है लोगो। यहाँ पर करना क्या है, देखिए छपाई, यानी कि जो छपाई है हमारी वो नीचे की तरफ रहेगी, और इसको जो है यहाँ पर जो भी हमारा पेज साइज है इसको सेट करके हमको रख देना है। तो सेट करने के बाद क्या होगा कि ये पेपर हमारा इसमें अटकेगा नहीं। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक फंक्शन और भी दिया, मतलब एक सावधानी और भी दी गई वार्निंग के लिए, कि इसमें कोई भी पिन या जो पेजेस को जो पिन होता है वो इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे स्टेपल कर देते हैं या पिन लगा देते हैं, तो उस टाइप का भी डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगाना है, नहीं तो ये क्या होगा कि इसमें जैम हो जाएगा और आपका जो ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको ऐसा काम करना ही नहीं है, जिससे जो कि कंपनी ने इसमें वार्निंग दे करके रखी है। तो जैसे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, सपोज़ कीजिए हमको सीधे मेरे पास ये दो डॉक्यूमेंट है, एक ये और एक ये, मैंने इसका नंबर भी डाल के रखा है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये अपनी समझ में भी दिया गया है। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि नीचे की साइड से स्टार्ट करना है, यानी कि सबसे पहले हमको ये 1 पेज है, 2 है, 3 और ये 4, मैं इसको ऐसे रखूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका एक बार साइज़ वो कर लेता हूँ। तो साइज़ इसका A4 का यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारी जो प्लेट है, यहाँ पर डिस्प्ले में अभी कुछ नहीं दिखा रहा, मैं इसको थोड़ा और तेज इसको आगे सरकाता हूँ। तो जैसे मैं इसको थोड़ा आगे लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ गया, ADF रेडी। तो उसने डिटेक्ट इसको कर लिया था, मैं वापस से हटाता हूँ और वापस से लगाता हूँ तो ADF रेडी। तो क्या है, डिटेक्ट कर लेता ऑटोमेटिकली। अब इसने डिटेक्ट कर लिया है तो अब इसको पता चल गया है कि मुझे यहाँ से स्कैनिंग उठानी है, यहाँ से स्कैनिंग नहीं उठानी। तो अब क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे ये मोनो क्लिक कर देना है। तो मैं जैसे मोनो यहाँ पर क्लिक कर दिया, अगर कलर निकालनी है तो कलर, ब्लैक एंड वाइट निकालनी है तो मोनो। तो इसने सबसे पहले क्या किया, नीचे का पेज स्कैन किया और ये ऊपर आ गया पेज, और ये ऊपर वाला देखिए पेज नंबर 1 यहाँ पर कॉपी हमारा हो चुका है, और ये जो पेपर है हमारा नंबर 3, यानी कि नंबर 1 और नंबर 3 हमारे यहाँ पर कॉपी होकर के आया है। ये दोनों पेज इसने स्कैन किए हैं। पेपर मैंने कैसे लगाए थे, पेपर मैंने ऐसे लगाए थे नीचे की साइड। तो सबसे पहले इसने इसको स्कैन किया, फिर नंबर 3 को स्कैन किया। तो यहाँ पर मैंने इसमें कुछ डुप्लेक्स वगैरह आपको नहीं बताया, सीधा ये कहा है कि आपके पास सपोज कीजिए 10 डॉक्यूमेंट है अलग, 10 डॉक्यूमेंट की कॉपी है, आपको क्या करना है इसमें सीधे ला करके यहाँ पर ला करके लगा देना है, और लगाने के बाद क्या है एक कॉपी का दबा देना है, 10 के 10 डॉक्यूमेंट स्कैन होकर के आपको यहाँ पर निकल जाएगा इसमें। अब बात करेंगे हम लोग डुप्लेक्स की, कि इस ADF में डुप्लेक्स का इस्तेमाल कैसे करें, तो चलिए वो भी बता देते हैं आपको जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो भाई ये तो आपने देख लिया कि 1, 2, 3 एंड 4 ये चीज़ देख ली। अब मैं इन डॉक्यूमेंट को वापस लगा देता हूँ, तो यहाँ पर ADF रेडी मेरा लिख करके आ जाता है तुरंत से, जैसे मैं इसको लगाता हूँ, जैसे मैं इसको निकाल के यहाँ पर वापस से लगाऊंगा तो ADF रेडी यहाँ पर आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ADF में हमारे पेपर पहुँच चुके हैं। अब इसको हम यहाँ पर डुप्लेक्स का इस्तेमाल करके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है कि कॉपी स्कैन का आपको बटन दिख रहा है, आपको इसको क्लिक करना है और सबसे पीछे चले जाना है टू साइडेड फंक्शन में। ओके कर देता हूँ मैं, इसको ऑफ करना है तो ऑफ पे रहना है, वन साइड को टू साइडेड करना है, समझे, वन साइड को टू साइडेड करना है। मतलब समझाता हूँ, मतलब आपका एक डॉक्यूमेंट ये है, दूसरा डॉक्यूमेंट ये है, यानी कि इन दोनों को एक ही पेपर पर करना है आगे और पीछे। तो पहले मैं आपको यही चीज़ करके दिखा देता हूँ कि मेरे दो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया था, यहाँ पर अलग अलग पेपर भी मेरे आए थे 1 और 3। अब मैं क्या करता हूँ, 1 और 3 को एक ही पेपर पे निकाल के दिखाऊंगा एक साथ।
तो ये वन साइडेड को मैंने टू साइडेड यहाँ पर देखा है, वन साइडेड टू साइडेड पे करना है। तो यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब ये सेट हो चुका है, मुझे कुछ नहीं करना, कलर निकालना है तो खाली कलर पे क्लिक करूँगा, ब्लैक एंड वाइट निकालना है ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करूँगा। तो मैं ब्लैक एंड वाइट आपको निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो टू साइडेड हमारा यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया और ये मैंने ट्रे यहाँ से खोल दी। अब पहले सबसे पहले इसमें नीचे से पेज निकल के वो चला गया, वापस से दूसरा पेज भी चला गया, दोनों पेपर मेरे स्कैन हो चुके हैं। अब स्कैन होने के बाद क्या क्या है, जैसे इसको यहाँ पर हम खोल देते हैं तो अब ये दोनों चीज़ें एक साथ निकल कर के आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ पेज वन और थ्री, अभी देखिए खुद से ही वापस गया है। पहले इसने दोनों डॉक्यूमेंट स्कैन किए, उसके बाद पहले एक पर कॉपी किया और वापस से उसको खींच के अब दूसरे पे कॉपी करके बाहर निकाल के मुझको दे देगा। तो ये देखिए वन और थ्री, तो वन और थ्री क्या हुआ, एक साथ आ गए, यानी कि एक डॉक्यूमेंट में रहे था ये डॉक्यूमेंट, ये था। अब बात कर लेते हैं, सपोज कीजिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और ये है, यानी कि वन और टू, मैं एक ही लगाता हूँ और ये मेरा ऐसा कैसे निकल करके यहाँ पर आ जाए, यानी कि यहाँ से भी स्कैन कर ले और यहाँ से भी स्कैन कर ले। तो ये भी फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हम दो फंक्शन की बात कर चुके हैं, सबसे पहला फंक्शन अलग अलग करना, दूसरा फंक्शन दो पेपर्स को एक पर निकालना, वन और थ्री, और तीसरा फंक्शन होगा कि वन और टू को इसी पेपर को दोनों तरफ से स्कैन करके एक ही पेपर पर निकालना। तो वो चीज़ भी मैं आपको एक बार ट्राई करा देता हूँ। इस पेपर को मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ पे ADF रेडी हो गया। ऐसे मुझको ADF निकालना है, ADF में ही डॉक्यूमेंट लगा के दोनों तरफ से स्कैन करके उसको डुप्लेक्स पर निकालना है। तो यहाँ पर ADF प्लस डुप्लेक्स, दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हमने अलग अलग तो बात हमने कर ली, तो अब मैं आपको एक साइड में दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसा ही मैं इसको पेपर को इसमें लगाता हूँ तो ये ADF रेडी आ जाता है लिख करके, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मुझे करना क्या है कि वापस से मैं इस वाले फंक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर टू साइडेड वाले फंक्शन में जा करके, एक तो वन साइडेड को टू साइडेड किया था मैंने, ये दिखा दिया आपको, और टू साइडेड को टू साइडेड पे ही लिखना है, यानी कि दोनों तरफ वाले पेज को दोनों तरफ से ही निकालना है। और तो मैं जैसे इस पर ये क्लिक कर दूँ तो ये टू साइडेड मेरा हो गया है सेट। एक सेकंड मैं उसको वापस से करके दिखा देता हूँ आपको। आपको यहाँ इस फंक्शन पे जाना है, टू साइडेड फंक्शन पे जाके टू साइडेड को टू साइडेड पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये सेट हो चुका है। तो अभी करना क्या है कि मैं इसको यहाँ पर मोनो कर देता हूँ, सॉरी, तो मैं यहाँ पर क्या है इसको मोनो कर देता हूँ, मोनो। तो इस पर क्या लिख कर आ रहा है कि अनअवेलेबल, तो ये वाला फंक्शन इस ADF में अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये ADF दोनों तरफ से इसको स्कैन नहीं कर सकता। इसमें टू साइड को एक मतलब दो पेपर को एक पेपर पर निकाल सकते हैं, लेकिन टू साइडेड पेपर को टू साइडेड पेपर पर नहीं निकाल सकते। तो ये फंक्शन इस वाली मशीन में अवेलेबल नहीं है, वो ज़्यादा जो बड़ी बड़ी लेज़र मशीन होती है उसमें अवेलेबल होता है। तो ADF के बारे में तो देखिए आपको ये फंक्शन समझ में ही आ गया होगा कि कैसे यूज़ करना होता है। तो ये तो ADF के बारे में था सारा कुछ। तो ADF का इसमें ये वाला फंक्शन काम नहीं करता कि वन, ये वन है और ये टू है, अगर ये दोनों साइड को एक साथ स्कैन करने की इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास दो पेपर है, एक पेपर ये है और एक और है, उन दोनों को एक साथ एक ही पेपर पे आगे और पीछे निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके जो ADF से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सभी जो है आपके आंसर मिल चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था, तो थैंक यू।